सागर जिले की स्पेशल टीम ने लॉकडाउन के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान रेहली क्षेत्र में अवैध शराब के बेचे जाने की शिकायत पुलिस को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एक विशेष पुलिस टीम को रेहली भेजा गया, जिसके बाद पटना ककड़ी वार्ड 14 में पूर्व शराब ठेकेदार सोमेश राठौर के घर पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर करीब 325 पेटी शराब जब्त की गई है। बताओ दिनांक को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना रैली में शराब का जखीरा पकड़ा गया है, जिसमें लगभग 325 पेटी शराब है, जिसमें अंग्रेजी शराब, बियर एवं देशी शराब भी है। लगभग 11 लाख रुपये कीमती है। इसके साथ ही एक आरोपी जितेंद्र को मौके से गिरफ्तार किया गया है एवं अन्य आरोपी सोमेश राठौर की तलाश है और इसकी जांच उपरांत यह तस्दीक की जा रही है कि कौन कौन लोग इस धंधे में शामिल था। चिन्हित करने के उपरांत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।